वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आज मैं आपके सामने भूगोल के अंतर्गत एक सामान्य जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लोगों का कन्फ्यूजन इस बारे में बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक सामान्य जो टॉपिक है भूगोल का कि जिसमें मरुस्थल में दिन में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें ठंडी क्यों होती है। आपने देखा होगा कि मरुस्थल का जो क्लाइमेट होता है वो एक अलग तरह का जो वातावरण होता है जिसमें दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं रातें ठंडी होती है। अब मैं उसका एक नज़र आपको दिखाना चाहता हूँ पहले तो कि किस तरीके से आप जैसे मरुस्थल में जो भी किस तरह से हवाएं जो चलती है दिन भर और रात में और इन सुनसान जहाँ ना तो कोई बहुत आबादी बहुत कम होती है और वनस्पति है वो भी कम मात्रा में होती है वो भी मृतभिद यानी जीरोफाइट्स होते हैं और किस तरह से सायं चलती जो हवाएँ हैं और उन हवाओं के बीच में लोग बहुत विकट परिस्थितियों में अपना जीवन जीते हैं। तो मरुस्थल में दिन तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तापमान 40-45 से लेकर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि रातें ठंडी होती है और सामान्य रूप से जो समुद्री स्थान वगैरह होते हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब ये किस कारण से होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं पूरे भौगोलिक तथ्यों या वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आपको बताऊँगा। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पहाड़ों पर तापमान कम होता है जबकि मैदानों पर तापमान अधिक होता है, उसका क्या कारण है। तो वही कारण यानी उसी फैक्टर पे या वही लगभग जो कारण है, इसमें थोड़े से अलग कारण है लेकिन उसी से संबंधित जो भी फैक्टर है वो है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी दूंगा भूगोल के बारे में कि वायुमंडल है उसमें जो ताप का जो स्रोत है वो सूर्य है। ये चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी इसलिए मैं इसको इस बार विस्तार से नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। परंतु जो प्रत्यक्ष रूप से सूर्य जो ऊर्जा सूर्य से जो भी ऊर्जा मिलती है वो जो प्राथमिक रेडिएशन है उससे बहुत कम मात्रा में मिलती है और वायुमंडल है वो सूर्य और पृथ्वी से अलग अलग रूपों में तापमान को ग्रहण करता है और उसका विसर्जन करता है यानी उसको तापमान को छोड़ता है। और वायुमंडल के गर्म और शीतल होने की जो क्रिया है मुख्य रूप से जो तीन प्रकार की जो विधियाँ होती है विकिरण की जो विधियाँ या सूर्य के जो प्रकाश के प्रति तक पहुंचने की जो विधियाँ हैं उनसे संबंधित होती है जिसमें परिचालन यानी कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन और विकिरण जो तीन प्रमुख विधियाँ हैं। अब उनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा कि जैसे प्रत्येक सूर्य ताप से वायुमंडल का गर्म होना सूर्य से जो ऊर्जा का विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है और ये काफ़ी कम मात्रा में होता है, लगभग सौरिक ऊर्जा का 14% भाग ही वायुमंडल द्वारा जल वाष्प द्वारा अवशोषित किया जाता है और इसका भी लगभग 7% भाग वायुमंडल के निचले हिस्से में यानी 2 किलोमीटर तक ऊंचाई पर ही फैलता है, इसलिए इससे जो वायुमंडल है वो बहुत कम मात्रा में गर्म होता है, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे मरुस्थल में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसका कारण मैं बताऊंगा आगे। तो पहले जो तीन क्रियाएं थी जैसे ये विधियाँ हैं उष्मा संचालन की, परिचालन, विकिरण और संवहन, ये आप देख ली, मैंने चित्र उस वीडियो में दिया था। अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसमें ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब जैसे परिचालन के बारे में आपने देखा था कि इसके अंतर्गत क्या होता है, अणु है एक दूसरे से स्पर्श के द्वारा ऊष्मा को आदान प्रदान करते हैं और ये तब होता है जब दोनों वस्तुओं के तापमान में अंतर होता है और ये तब तक होता है जब तक दोनों का तापमान समान नहीं हो जाता। और इस नियम के अनुसार दिन में जब पृथ्वी के संपर्क में जो भी सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है उसके बाद में जो धरातल है वो जो टेरिस वो सेकेंडरी रेडिएशन यानी कि जो दीर्घ तरंगों के कारण जो धरातल गर्म होता है तो उसके कारण उसके संपर्क में आने वाली जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू हो जाती है और इस तरह से है वो वही गर्म हो जाती है और इस तरह से जो गर्म हवाएं या लू जो चलना शुरू हो जाती है। तो ये तो था परिचालन। दूसरा संवहन धाराएँ हैं यानी संवहन है वो सूर्य विकिरण से उष्मा प्राप्त करने के बाद में धरातल गर्म होना उड़ने लगता है और जिसके कारण से उसके संपर्क में आने वाली हवा ऊपर उठती है और फैलकर ठंडी हो जाती है, इसके विपरीत स्थित जो वायु वो ठंडी होती है और वो भारी होने के कारण नीचे उतरती है और इस कारण से ऊपर नीचे संवहन तरंगों का जो निर्माण होता है और इससे क्या उष्मा का स्थानांतरण होता है और वायुमंडल काफ़ी ऊंचाई तक गर्म हो जाता है और इसी कारण से यानी जो संवहन और परिचालन दोनों जो इन विधियों के कारण है गर्मियों के दिनों में जो मरुस्थल में है वो तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका दूसरा कारण एक ये भी है कि वायुमंडल जो भी मरुस्थल होते हैं वहाँ वनस्पति का अभाव होता है, जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है जिसको जो उष्मा को जैसे पेड़ पौधे हरियाली होगी तो उसको उष्मा को थोड़ा सा अवशोषित करेंगे और तापमान को कम करने में सहायता देते हैं लेकिन वो स्थितियाँ यहाँ नहीं होती है। और दूसरा कि जो रेतीली मिट्टी है उसमें सौरिक विकिरण को अधिक अवशोषण करने की क्षमता होती है, जैसे बर्फ वगैरह होता है तो वो
काफ़ी हद तक 90% से भी ज़्यादा जो उष्मा है या सूर्य का जो रेडिएशन है उसको परावर्तित कर देता है, लेकिन जो मिट्टी होती है वो सौर्य ऊर्जा विकिरण है उसको बहुत ज़्यादा अवशोषित करती है, और अवशोषित करेगी इसका मतलब गर्मी को ग्रहण करेगी तो उसका तापमान बहुत बढ़ जाएगा। और ये सूर्य का जो प्रकाश है वो दिन में मिलता है, इसलिए दिन में जो रेतीली मिट्टी है उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वायुमंडल की जो क्रियाएं हैं, खास करके जो दोनों परिचालन और संवहन की जो क्रियाएं हैं, ये मुख्य रूप से गर्मियों में और दिन के समय ज़्यादा प्रभावकारी होती है, और इसीलिए मरुस्थल में गर्मियों में तापमान और दिन के समय तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये तापमान को गर्म करने में यानी दिन का जो तापमान बढ़ाने में ये दो विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, परिचालन और संवहन। और विकिरण विधि है उसका क्या रोल है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वो रोल है रात में जब जैसे मिट्टी का तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसमें उसका योगदान होता है, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे पृथ्वी अपना जो विकिरण है वो दीर्घ तरंगों रूप में करती है, यानी मैंने पहले बताया कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है और जो वायुमंडल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर पाता, लेकिन जो पृथ्वी से टकरा करके सूर्य की किरणें वापस परावर्तित होती है तो वो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है, और जिसका अधिकांश भाग यानी 9% भाग वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैसें वगैरह ये ग्रहण कर लेती है, और इसीलिए इनको ग्रीन हाउस गैसें भी कहा जाता है। और इससे क्या होता है कि वायुमंडल का अधिकांश भाग गर्म रहता है। अब इस तरह वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी, बहिर्गम जो बहिर्गामी पार्थिव विकिरण होगा यानी जो जाने वाला विकिरण होगा जो पृथ्वी से टकरा करके अंतरिक्ष में जाने वाला विकिरण है वो बहुत ज़्यादा अवशोषित हो जाता है, और जैसे समुद्र के तल के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ वायु में बहुत ज़्यादा नमी होती है, जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो उस सूर्य से जो जाने वाले रेडिएशन है जो वापस टकरा करके जो दीर्घ तरंगें जा रही है उनको अवशोषित करके रखती है, और इस कारण से समुद्र के तट के आसपास के क्षेत्रों का रात का तापमान है वो काफ़ी हद तक अच्छा बना रहता है, यानी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। जबकि मरुस्थली भागों में क्या होता है कि मरुस्थली भागों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी बहुत कम मतलब लगभग कई जगह तो शून्य के बराबर होती है या बहुत कम मात्रा में होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो पार्थिव जो रेडिएशन है यानी जो टकरा करके जो दीर्घ तरंगे वापस अंतरिक्ष में जाती है उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है, इस कारण से ये तरंगे सीधी अंतरिक्ष में चली जाती है, और इस कारण से क्या होता है कि वायुमंडल का तापमान है रात के समय बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और इसी कारण से रात्रि में तापमान है अतिरिक्त नीचे चले जाता है और पार्थिव विकिरण है और ताप आसानी से शून्य में चला जाता है, यानी जो पार्शियल रेडिएशन है जो पृथ्वी से टकरा कर जो जो दीर्घ तरंगे हैं वो अगर मान लो जलवाष्प की मात्रा वगैरह होगी तब तो वायुमंडल में वो रहेगी तो तापमान थोड़ा बना रहेगा, यानी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, लेकिन मरुस्थल में जलवाष्प नगण्य होती है, शून्य के बराबर होती है, इस कारण से पूरा का पूरा जो रेडिएशन है वो अंतरिक्ष में चला जाता है, और इस कारण से जो वहाँ का धरातल का तापमान है मरुस्थल का वो रात में शून्य में चला जाता है, यानी बहुत कम तापमान हो जाता है, और इसीलिए जो मरुस्थल में दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है। और अब एक और जैसे मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी से विकिरण एक सतत प्रक्रिया है, और विकिरण है वो लेकिन जो सौर्य विकिरण है जो उष्मा प्राप्त होती है वो हमेशा प्राप्त नहीं होती, यानी दिन के समय ही प्राप्त होती है, रात के समय नहीं होती है, और दिन के लगभग 12 बजे तक धरातल पर जो प्राप्त उष्मा है पृथ्वी से विकृत उष्मा द्वारा जो नष्ट उष्मा से अधिक होती है, यानी जो जो उष्मा प्राप्त होती है वो प्राप्ति की मात्रा ज़्यादा होती है और जो नष्ट होने वाली मात्रा कम होती है। इस कारण से दिन में आपने गौर किया होगा कि दिन में 2 से 4 बजे तक सर्वाधिक तापमान रहता है, उसके बाद 4 बजे के बाद में जो जो तापमान है वो कम होता जाता है, और रात में जैसे सूर्य विकिरण है जो सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण है वो समाप्त हो जाता है, यानी रात को सूर्य की विकिरण है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, परंतु पृथ्वी से जो विकृत जो है वो उष्मा के सतत नष्ट होने के कारण धरातल ठंडा होता है, क्योंकि जो दीर्घ तरंगे हैं उनको कोई रोकने वाला वातावरण में जल वाष्प वगैरह नहीं होने के कारण वो अंतरिक्ष में चली जाती है, और जिस कारण से वायु का तापमान गिरने लगता है, और गर्मियों में इस कारण से वहाँ मरुस्थल में रातें ठंडी होती है और दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि जो पहाड़ों में कारण था वो अलग था, मरुस्थल में दिन में जो तापमान बढ़ने का जो कारण है वो दो विधियाँ हैं जिसमें संवन और परिचालन है, जबकि रात में तापमान कम होने का मुख्य कारण है कि वायुमंडल में नमी की मात्रा बहुत कम होना, और उसके कारण जो भी पृथ्वी से टकरा करके जो रेडिएशन दीर्घ तरंगों के रूप में जाता है वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, उनको रोकने वाला वायुमंडल में कोई नहीं होता, जैसे जलवाष्प या अन्य जो भी बादल वगैरह वो नहीं होते, इस कारण से रातें हैं तुरंत ठंडी हो जाती है, और रात में जो जो रात बढ़ती जाती है तापमान कम हो जाता है, और रेत है वो उष्मा को ग्रहण भी जल्दी करती है और उसको छोड़ती भी जल्दी है, यानी गर्म भी जल्दी होती है और ठंडा भी जल्दी होती है, इस कारण से जो मरुस्थल में है वो तापमान में जो तापांतर होता है बहुत ज़्यादा होता है, जबकि आपने देखा होगा कि समुद्र में
पानी है उसमें बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के जो आसपास के जो स्थान होते हैं वहाँ का तापमान है सम रहता है, वहाँ की जलवायु सम रहती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंडा रहती है। लेकिन मरुस्थल में जिनमें जो खास करके नमी की मात्रा नगण्य होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसी तरह के जो भौगोलिक फैक्ट या जो विज्ञान पर आधारित फैक्ट है उनके लिए इस चैनल पर बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कस करूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।